हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहाँ पर आपके क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 3 का। कौन सा क्लास है? क्लास आपका 3 होगा और उसका हम लोग हिंदी को डिस्कस करने वाले हैं। और इसका पहला चैप्टर है, आप देख पा रहे हैं, रेलगाड़ी चैप्टर का नाम है। सभी सवाल जवाब को देखेंगे तो वीडियो जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाल रंग का एक सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा नीचे में, उसको दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर उसके बाद एक घंटी का आइकन बनेगा, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ALL लिखा आएगा, फिर उसको भी आपको क्लिक करना होगा। इतना काम कर लेने के बाद होगा ये कि आपके क्लास का जब भी कोई भी वीडियो बनेगा, आपका जब भी कोई भी क्लास होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा। यानी आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कोई क्लास हुआ है, आपके लिए कोई वीडियो बना है। ठीक है, तो सभी इम्पॉर्टेंट सवाल और सभी पूरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कैसे ऑन करेंगे? जहाँ पे आपका टाइटल लिखा होता है ना, क्लास 3 हिंदी, उसको जैसे क्लिक कीजिएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको वहाँ पर बहुत सारा लिंक मिलेगा, जैसे कि टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, बहुत सारा लिंक मिलेगा। आप कोई भी लिंक आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्या है आज का पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है कि आप लोग कौन कौन सी सवारी पर चढ़े हो। सवारी का मतलब होता है जिस पर हम बैठकर कहीं जाते हैं। सवारी का मतलब क्या होता है कि जिस पर हम बैठकर क्या करते हैं, कहीं जाते हैं एक स्थान से दूसरा स्थान। जैसे कि रेलगाड़ी, रेलगाड़ी पे हम लोग क्या करते हैं, बैठते हैं, वहाँ से फिर हम लोग सवार होकर के कहीं चले जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग आंसर इसका करने वाले हैं कि यहाँ पर आपको लिखना है कि हम लोग टांगा, मोटरगाड़ी, रेलगाड़ी, बस आदि पर चढ़े हैं। आदि का मतलब समझ लीजिए, आदि का मतलब होता है और भी। ठीक है, ये खाने वाला आदि नहीं होता है। आदि का मतलब होता है और भी बहुत सारे सवारियों पर हम लोग क्या करे हैं, चढ़े हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि लंबू के स्थान पर आप होते तो क्या करते। तो लंबू के स्थान पर हम होते तो बिना टिकट रेल पर नहीं चढ़ते। ये क्या है, पर है ना, पर ऊपर, ठीक से लिख लीजिएगा। लंबू के स्थान पर हम होते तो बिना टिकट रेल पर नहीं चढ़ते। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि रेलगाड़ी चलते समय कैसी आवाज़ आती है। रेलगाड़ी के जो चलते समय कैसी आवाज़ आती है, इसका आंसर आपको करना है। आंसर में आपको लिखना है कि रेलगाड़ी के चलते समय धड़ 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 तथा छुक 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 की आवाज़ आती है। इस आंसर को आप नोट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। टिकट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो टिकट की जो ज़रूरत है वो कहाँ पड़ती है, इसके आंसर को लिखना है। टिकट की ज़रूरत हमें पड़ती है रेलगाड़ी में। कहाँ पड़ती है, रेलगाड़ी में। रेलगाड़ी में बैठने से पहले हमें क्या करना होगा, टिकट लेना होगा। फिर उसी प्रकार से बस में भी सवारी करने से पहले हमें टिकट लेना पड़ता है। सिनेमा में फिल्म देखने से पहले भी हमें टिकट लेना पड़ता है। सर्कस में सर्कस देखने से पहले भी हमें टिकट लेना पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आदि शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो आदि का मतलब होता है और भी कई जगह हो सकते हैं जहाँ पर हम टिकट का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा कि टिकट की ज़रूरत रेलगाड़ी, बस, सिनेमा, सर्कस आदि जगहों पर पड़ती है। अगला सवाल देखते हैं क्या है कि रेलगाड़ी के आगे कौन खड़ी हो गई। तो आंसर में आपको करना है कि रेलगाड़ी के आगे कौन खड़ी हो गई, भैंस खड़ी हो गई। कौन खड़ी हो गई, भैंस। यहाँ पे आप भाव बनाइएगा और अनुस्वर लेकर के सौ दीजिएगा, भैंस हो जाएगा। उसके बाद कहता है अगला सवाल कि कौन कहता है रुक रुक रुक। तो लंबू कहता है रुक रुक रुक। कौन कहता है,
लंबू कहता है रुक रुक रुक, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या, बिना टिकट कौन पकड़ा गया, तो बिना टिकट कौन पकड़ा गया था, लंबू। कौन पकड़ा गया था, लंबू पकड़ा गया था, बिना टिकट कौन पकड़ा गया, लंबू पकड़ा गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इन सभी सवालों को उतार लिया होगा। आप चलते हैं इसके अगले टॉपिक पे, देखते हैं कि इसके आगे और कौन से इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब अगला जो इम्पोर्टेंट है ना वो भी समझ लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड आपको दे दिया गया है, जैसे क दिया है, च दिया है, ध दिया है, म दिया है, और बीच में आपको दिया है र तो में दुर्गी कार्ति रति। अब इनसे क्या करना है, इनको मिला करके एक नया वर्ड बना देना है। जैसे क और र तो में दुर्गी कर्ति क्या हो जाएगा, करति। च र तो में दुर्गी कर्ति क्या हो जाएगा, चरती। ध र तो में दुर्गी कर्ति धरती। इस प्रकार से वर्ड बनाना है आपको, आपके बुक में भी होगा, आप बुक से भी क्वेश्चन मिला सकते हैं। म र तो में दुर्गी कर्ति क्या हो जाएगा, मरती। भ र तो में दुर्गी कर्ति क्या हो जाएगा, भरती, है ना। उसके बाद ड क्या हो जाएगा, अंगो नहीं होगा, यहाँ पे ड बनाइएगा। ड र तो में दुर्गी कर्ति क्या हो जाएगा, डरती, ठीक है। अगला देखिए सवाल क्या है, हमें मिलाकर लिखना था, ठीक है। जैसे मालगाड़ी, माल प्लस गाड़ी क्या हो जाएगा, मालगाड़ी। उसी प्रकार से मोटर प्लस गाड़ी क्या हो जाएगा, मोटर गाड़ी। उसी प्रकार से घोड़ा प्लस गाड़ी क्या हो जाएगा, घोड़ा गाड़ी। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो क्या है, ऊंट प्लस गाड़ी क्या हो जाएगा, ऊंट गाड़ी। उसके बाद है हमारा बैल प्लस गाड़ी क्या हो जाएगा, बैल गाड़ी। इस प्रकार से जो है आप लोगों का जो क्लास थ्री का हिंदी का पहला चैप्टर रेलगाड़ी का सभी सवाल और जवाब को कंप्लीट कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो आपको अंगूठे के ऊपर वाले निशान, इस तरह से जो अंगूठा का निशान होगा उसको आप लोग क्लिक कर दीजिए, उसको हम लोग लाइक कहते हैं, ठीक है। उसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियोज़ को पसंद आया है तो इस तरह का वीडियोज़ पाने के लिए आप उसको लाइक कीजिए। क्लास करने में आपको कैसा लगा है आप हमें कॉमेंट कर करके बता सकते हैं, प्लीज़ कॉमेंट किया कीजिए आप लोग कि आप लोगों को कैसा लगा है क्लास, आप लोगों को इसके आगे की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, इस तरह से आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स से मेरे निवेदन है कि जितने भी गार्जियंस हैं वो अपने स्टूडेंट्स को, यानी अपने जो बच्चे हैं, अपने चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो जो हो, उनको अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर कर रखें, अपना कीमती सुझाव हमें दें, कॉमेंट करें, बताएँ कि आपको क्लास कैसा लगा, आप लोग ये क्लास करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं अपने चिल्ड्रंस के लिए। तो आप लोग का जो सुझाव है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, तो प्लीज़ अपना सुझाव हमें दें। साथ ही साथ जैसा कि हमने आपको बताया है स्टार्टिंग में ही कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सिंपल है, आपको जयपुर लिखना है, JACPUR जयपुर लिखिएगा तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप अपने रिश्तेदारों और अपने करीबी, अपने पड़ोसियों तक हमारे चैनल का नाम पहुंचाएं, हमें उन्हें बताएं कि इस जयपुर पे जो है आपका, यानी यूट्यूब चैनल जयपुर पे आपके क्लास के सभी पढ़ाई अच्छे प्रकार से कराई जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्द ही मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए वीडियो के साथ, ताकि आपको प्रिपरेशन जो है आप लोगों का अच्छे प्रकार से होता रहे। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।